देखिए मोदी के एक परिवार है, मोदी के एक फैमिली है और ये फैमिली कैसे हम सबको मिलकर आगे बढ़ने का मौका देती है आप कुछ हद तक जान ही चुके हैं। मैं कल सुबह हम लोग परसों दिल्ली से निकले, फिर हम उदयपुर पहुंचे, उदयपुर से मैं पता लगा कि ब्यावर जाएंगे, यहां से भी कोटा जाने का प्रोग्राम है। जब दुनिया में सब कंपनी अपने बिजनेस बंद कर रही है, कंट्रोल कर रही है, छोटे कर रही है, समीर मोदी साहब कहते हैं कैसे समय में हम और पावर देंगे अपने लोगों को। हम कोटा में कल एक ऑफिस लॉन्च करने जा रहे हैं और ये हैट्रिक होगा, कल हिंदुस्तान का एक्चुअली हम तीन ऑफिस लॉन्च करेंगे। तो ये एक बड़ा माहौल है, बहुत एक्साइटिंग माहौल है। मुझे लगा कि ब्यावर हमें जाना चाहिए। निखिल बजाज जी हमारे परम मित्र भी हैं, दोस्त भी हैं, स्ट्रांग लीडर भी हैं राजस्थान के, तो मुझे लगा कि यार ब्यावर जाना, मतलब आप समझ रहे हैं कोटा जाना 7 घंटे 6 घंटे का ट्रेवल है, 2.5-3 घंटे का ट्रेवल हम वन वे का करके आए आज सुबह। तो मैं आपको सच बताता हूँ ईमानदारी से, सब घर के लोग बैठे हैं यहाँ पर, कोई बड़ा हाईफाई माहौल नहीं है, सिंपल लोग हैं आपकी तरह। मैं भी सुबह 8 बजे मेरा मूड हुआ कि गायब हो जाऊं, मैं नहीं जाता आज 2.5 घंटे जाना, 6-8 घंटे फिर आगे जाना। तो मैंने अमित जी को इशारा करा, मैं कहा मुझे लगता है पेट में दर्द है, उन्होंने कहा दवाई खा लो हाथ, फिर पता नहीं कौन सी नकली गोली लाके खिलाई, नकली दर्द था, नकली गोली ठीक हो गया। फिर मैं 10 मिनट बाद फिर बोला, मैं कहा अमित जी मुझे लगता है मेरे को मीटिंग है आज, आप लोग पहुंचो, मैं कोटा मिलूंगा आपसे। नहीं नहीं आपको चलना चाहिए। तो मैं थोड़ी देर के लिए मुझे लगा तू रीजनल हेड है, पता नहीं कभी आपको फीलिंग आती आप कुछ हो, तो मुझे लगा आप रीजनल हेड हो यार। तो मैंने कहा अमित जी अब मैं एज ए बॉस बोल रहा हूँ, मेरा मूड दी है, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा मत जाओ, कोई नुकसान आपका ही, हमारा नहीं। मैं नुकसान क्या है, बोला आपका फायदा होगा, ब्यावर जाओगे आपका फायदा रहता है। अच्छा कोई बोलता ना फायदा होगा, और हम दिल्ली के लोग हैं फायदा बोल दो आप छोड़ेंगे नहीं, हम राजनीति की प्रवृत्त माला पे बैठ जाएंगे। मैं कहा फायदा क्या होगा, बोला फायदा यार बहुत फायदा होगा जाओगे। ऐसा क्या फायदा होगा बताओ, उन्होंने कहा आपको वही जाकर पता लगेगा। तो मैं बार बार पूछता रहा रास्ते में फायदा क्या, बोला बताऊंगा मैं। और जब हम हॉल के अंदर आ रहे थे तो अमित ने कहा था कि आपकी शादी हो कितने साल हो गए, ऐसा क्वेश्चन है इसके जवाब में। मैं पता नहीं यार किस जमाने में अच्छे लोग थे आपके, तो पता नहीं कब कब हुआ था लाइफ खराब ही हो गई। डिसाइड आपको जो उस समय मजा आया होगा ना आज वैसा फील करोगे। और यकीन जानिए जो माला पहनी है मैंने 15 किलो की, तब के बाद आज इज्जत मिली है, ये इज्जत देने में ज्यादा है यही कमाई है मेरी यार। एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना इज्जत अफजाई करी है। मैं कोई ज्ञान तो दूंगा नहीं, ठीक है, हम लोग जाने जाते ज्ञान देने के लिए, तो मैं कोई ज्ञान नहीं बांटूंगा आज, कोई आपको ऐसी बात नहीं करूंगा जो हाई फाई बातें होती हो, मैं आपसे सिंपल बात करूंगा। आज हम दिल से दिल की बातें करेंगे। मुझे मालूम है हम कोरोना के दौर से निकल के बाहर आए हैं और कोरोना ने हमारी जिंदगी को बदला है, मैंने बहुत करीबी से कोरोना को देखा है एंड आई एम श्योर आप सबने देखा होगा, हिंदुस्तान को नहीं दुनिया भर को कोरोना ने बदल दिया। वो लोग जो 60-70 साल की लेडीज हैं, मैं अपनी मदर का एग्जांपल देता हूं, जिंदगी में मोबाइल नहीं पाया था, वो कहती थी उसका फोन लगा वो बात कर पाओ, हम फोन लेकर जाते थे लो जी नंबर लगा दिया बात पर। पोता पोती के चक्कर में ये 70 साल की और लेडी कोरोना में व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो कॉल करना सीख गई। वो हाउस मेकर, वो हाउस वाइफ जिसने जिंदगी में कभी जूम लिंक नहीं देखा क्या होता है, अपने बच्चों का ऑनलाइन क्लास भी करवा दिया, हाफ ईयरली एग्जाम भी करवा दिए और अपो एनुअल एग्जाम भी करवा दिए। देखिए दादी जी मोबाइल चला। अच्छा हम राजस्थान में खड़े हैं जहां पर कहा जाता है तो महाराणा प्रताप जी की भूमि है, यहां तो साहब मूछे होते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये जितने भी मूछ वाले होते हैं आन बान शान वाले, कोरोना में इनको रसोई में भी देखा गया, रसोई में भी जाकर मसाले चेक कर रहे थे। तो कोरोना ने चेंज लाई, वर्ल्ड चेंज हो गया, दुनिया सही बात है। और इस चेंज ने चीज सिखा दी हमें कि दुनिया में आगे अगर आपको बढ़ना है
एक ही जगह पर रुके हुए नहीं रहना है, समय के साथ आगे प्रोग्रेस करना है, तो बदलाव जरूरी है। और जिनको लगता है बदलाव बहुत मुश्किल होता है, जिनको लगता है कि बदलाव बहुत मुश्किल है, वो ये जानते हैं कि बदलाव मुश्किल तब तक है जब तक आप उसको मुश्किल समझते हैं। वरना 70 साल की लेडी स्मार्टफोन के ऊपर बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंस कर ले, एक हाउसवाइफ हिंदुस्तान के हर कोने से अपने बच्चों का एग्जाम करवा दे ऑनलाइन, हस्बैंड ऑफिस ऑपरेट कर ले, ये सब जरूरत थी और इसे परिवर्तन दिखाया, इसे चेंज दिखाया। आज हम इसी चेंज की बात करेंगे। अमित जी कैंडी स्टार्ट।